राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर माह में गुरु बृहस्पति के वक्री होने की। देवताओं के गुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होंगे। अगले साल 4 फरवरी तक उल्टी चाल से ही चलेंगे, उसके बाद मार्गी होंगे। गुरु की वक्री चाल का असर सभी राशि के जातकों पर पड़ेगा। ये कुछ राशि के जातकों को बेहतरीन लाभ देंगे तो कुछ राशि के जातकों को अशुभ फलों का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति का प्रमुख स्थान है। जिस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु उत्तम फलदायी हो तो उस व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। वहीं देवगुरु बृहस्पति अशुभ फलदायी हो तो अनेक तरह की समस्याएं जीवन में आती हैं। यही वजह है जब देवगुरु राशि परिवर्तन करते हैं, अस्त या उदय होते हैं, वक्री या मार्गी होते हैं, तो इसका प्रभाव सभी राशि के साथ देश दुनिया पर भी देखने को मिलता है। इसीलिए इनके गोचर का बहुत गहनता से अध्ययन किया जाता है। 9 अक्टूबर से गुरु वक्री होंगे, यानी उल्टी चाल से चलेंगे। जिन जातकों की कुंडली में गुरु वक्री हैं और उत्तम फलदायी हैं, तो उनको बहुत उत्तम लाभ मिलने वाला है। अगले 119 दिन गुरु वक्री रहेंगे, आइए जानते हैं। मेष राशि के लिए गुरु का वक्री होना किस तरह का प्रभाव देगा। मेष राशि, मंगल प्रधान राशि मेष के लिए गुरु का वक्री होना शुभ फलदायी होगा। मेष राशि वालों के लिए गुरु दूसरे भाव में वक्री होंगे। दूसरा भाव धन वाणी और परिवार का है। इस दौरान आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी। व्यापार में धन लाभ के अवसर मिलेंगे। व्यापार में नए निवेश से लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति में बेहतरीन सुधार होगा। वाणी की मधुरता से काम बनेंगे। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में चल रहा विवाद आपके सहयोग से समाप्त होगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। रुका हुआ धन प्रयास से वापस मिल सकता है। प्रेम संबंध मधुर होंगे। मेष राशि के अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे। कार्यक्षेत्र पर आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। अधिकारियों की मदद से वेतन वृद्धि हो सकती है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। राजनीति से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना बेहद शानदार रहेगा। मेष राशि के लोगों को अब 119 दिन लाभ ही लाभ होगा। इस समय पर लिए गए सभी निर्णय सही साबित होंगे। आप हर दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करें, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, मंदिर में और गरीबों को केले का दान करें। इन सामान्य उपाय के जरिए मेष राशि के जातक गुरु के वक्री होने के ओर अधिक बेहतरीन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष और धर्म से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे।